हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं शेजवान चटनी ऑथेंटिक स्टाइल में। इसे बनाने के लिए हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्चे और एक बर्तन में पानी गरम कर लेंगे। हमने मिर्ची की डंडियों को तोड़ लिया है। अब हम गरम पानी इसमें डालकर मिर्चियों को भिगा देंगे। जब ये अच्छे से भीग जाए तब हम इसको एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम एक पैन में 4 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें 3 से 4 स्टार अनाइस डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दरदरा पीसा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप बारीक कटी हुई सेलेरी डाल देंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। दो टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून टमाटो सॉस ऐड कर देंगे। एक टेबलस्पून सोया सॉस। एक टेबलस्पून रेड चिली सॉस। एक टेबलस्पून विनेगर। 2 टीस्पून शक्कर। 1 टीस्पून अजीनोमोटो। 1 अब हम इसको अच्छी तरह मिलाकर पका लेंगे और इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डाल देंगे। अब हम इसको स्टेरिलाइज्ड और एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे। हम इसको 1 से 2 महीने रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं।